पीडब्ल्यूडी एसीएस वीनू गुप्ता आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। यहां उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में जिला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले एलिवेटेड रोड व जिले में बनने वाले 4 आरओबी के कार्य को गति देने के निर्देश दिए हैं। एसीएस गुप्ता ने बताया कि इन कार्यों को लेकर विभिन्न समस्याओं के समाधान को देखते हुए सभी अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है, जिससे कि कार्य को गति मिल सके और जल्द से जल्द सभी निर्माण कार्य पूरे कर लोगों को राहत दे सके। इस मौके पर जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा, नगर निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल, एडीए सचिव व स्मार्ट सिटी के साथ ही अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें इन प्रोजेक्ट में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो मैंने आज मीटिंग ली वो यहाँ अजमेर ज़िले में जो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें कि करीब 4 आरओबीज हैं और एलिवेटेड रोड है, इसमें जो बॉटलनेक्स आ रही थी, इसमें जो भी गतिरोध आ रहे हैं उसको लेके मीटिंग की गई। पिछले 3-4 महीने में काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं और जो अजमेर की टीम है उन्होंने ज़िला कलेक्टर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ और हैं जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और वो भी आज सभी विभाग यहाँ मौजूद थे, सब ने बड़ी सकारात्मक माहौल में उन बिंदुओं पर चर्चा की और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगले एक महीने में इन समस्त प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा गति आ जाएगी। नहीं, मैंने तो इन प्रोजेक्ट्स से संबंधित ही बात करी है, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है जिसमें PHED भी शामिल है उसको वो प्रायोरिटी पर करेंगे। बाकी जो भी मीटिंग थी वो केवल इन प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित थी। स्मार्ट सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है वो एलिवेटेड रोड का है और उसमें ग्राउंड लेवल पर कुछ दिक्कतें हैं तो उसको फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है। उसमें सभी विभागों की भागीदारी है तो मैंने सभी विभागों को यही निर्देश दिए हैं कि एक बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ उसमें काम करें। ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है लेकिन अब उस डिले को हम कैसे जल्दी से जल्दी कवर अप करें ताकि समय पर काम पूरा हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ हो, इसी पर चर्चा करें।